जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो किट में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली काफ़ी डिमांड रहती है बच्चों की कि सर सिलेबस क्या है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से पेपर होगा, कौन सी मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, हिंदी का क्या सिलेबस है, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आज आपके लिए काफ़ी आपकी जो डिमांड का विषय था उसको कंप्लीट कर दिया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में अलग अलग टॉपिक वाइज जैसे मैथ का क्या सिलेबस रहेगा और रीजनिंग का क्या रहेगा, जीके का क्या रहेगा, साथ ही हिंदी और इंग्लिश सभी का सिलेबस बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसके बाद में जो सिलेबस मैं बता रहा हूं लाडलो उसी पे फोकस करना आपको, उसके अलावा ज़्यादा बाहर का जो मैटर है वो नहीं पढ़ना है। साथ ही अगर आपने अभी तक कमांडो ऐप इंस्टॉल नहीं किया कमांडो अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर से, तो जल्दी से जाके कर सकते हो लाडलो। वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5000 की बुक और भी कई प्रकार के नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त हो सकते हैं, और अगर आप चाहो तो एसएससी जीडी का पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हो लाट लो। अब सबसे पहले कि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है आप सभी को पता है 25-25 क्वेश्चन आते हैं, कितने टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, समय आपको मिलता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय आपके पास में होता है। 1.5 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है कि 25-25 मैथ के आते हैं, 25 जीके के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं और 25 ही हिंदी या इंग्लिश आपके ऑप्शनल में रहती है। ये सबसे एक खास बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लो पूरा पेपर हमने हिंदी में किया, पूरा पेपर हिंदी में गया और जब यहाँ हिंदी और इंग्लिश चुनने गए तब हमने इंग्लिश चुन लिया, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप पूरा पेपर चाहे हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसका, सबसे पहले जो है वो है सिलेबस रीजनिंग का, कि रीजनिंग के कौन कौन से जो टॉपिक है वो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले रीजनिंग एनालॉजी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, आप सभी को पता है नंबर सीरीज की क्वेश्चन आपने किया होगा ये अल्फाबेट से उस प्रकार, एटीमेटेड अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाई थी, मैंने भी कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 4 से 5 क्लासें ली है, और डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं दो दो आपको वर्ड दिया जाते हैं, दो चार दो शब्द दे दिए उनका डिस्क्रिप्शन आपको देना रहता है कि सभी सेम है, सभी आलू है, सभी गोभी के फूल है, सभी लाडले लाडली है, सभी मगरमच्छ है, वो वाले फिगर क्लासीफाई, वो फिगर जो क्लासीफाई करना रहता है कि जैसे गरीब आदमी और मानव या मानव महिला और जनजाति उसके जो फिगर बनते हैं उस प्रकार से वो फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन करके ऑब्जर्वेशन सेटिंग भी आता है, ऑब्जर्वेशन भी आपको दे के पहचानना भी होता है, और जो वहाँ पर जो नंबर होते हैं जैसे ये त्रिभुज त्रिभुज वाले वो जो काउंट होते हैं वो भी इसके अंदर मान लो काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज है क्या है वो वाले भी। इसके अलावा रिलेशन आप सभी को पता है ब्लड रिलेशन, और जो ब्लड रिलेशन है ये किसका टॉपिक है, ये मैथ का टॉपिक है, वो भी इसी में आ जाता है रीजनिंग, ठीक है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस की क्या क्या सिमिलरिटी है क्या क्या डिफरेंस वाले वो जो कि निम्न में से संबंधित है, हैं तीन अलग है एक अलग छाटना रहता है, या कौन सा इनमें से डिफरेंट है कौन सा इनमें से अलग है, वो वाला टॉपिक भी मैं करा चुका हूँ, उसके भी इनमें से ब्लड वाला भी मैंने कराया है, ये भी कराया है। स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन विजुअल दृष्टि के आधार पर उनका सेटिंग अरेंजमेंट जो हो गया उससे संबंधित, वो बैठा ना कि दाएं बाएं वो बैठा है बाएं बैठा है, एक वो गोलाकार घेरे में बैठा देखने के आधार पर, विजुअल मेमोरी याददाश्त वाला, ठीक है, कि उसका जन्म उसके पहले हुआ था या उसका जन्म उसके पहले हुआ था, एक वो ब्लड वाले की तरह भी कि भाई उस तारीख को उसका जन्म हुआ था लेकिन उसको नहीं हुआ था, उसको इतना याद है इसको इतना याद है, वो क्वेश्चन जैसे उसकी क्वेश्चन आपकी क्लास से चलती रहेगी, वो आप देखते रहना जैसे जैसे क्लास चलेगी। अब स्पेशली क्या कैंडिडेट ऑन चेक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रीजनिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे आपको फोकस करना है, क्लॉक यानी घड़ी वो मैं आपको पढ़ा दूंगा इसमें कोई शक नहीं है आपको याद हो जाएगी, कैलेंडर ये भी मैं पढ़ा दूंगा अपनी क्लास से चल रही है, पजल रीजनिंग की जो पजल वाले है वो भी आपको पक्का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आपको पता है वो स्टेटमेंट वाला निष्कर्ष निकालने वाले, स्टेटमेंट अरेंजमेंट ये वाले जो निष्कर्ष वाले रहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको मेन फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। मेन फोकस किस चीज पे करना है वो भी मैंने बता दिया, कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर हो गया, रीजनिंग पजल वाला हो गया, और स्टेटमेंट वाला हो गया वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बाकी सब तो सभी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ाऊंगा भी इनको बिल्कुल इजी तरीके से। कैंडिडेट कैन चेक द लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है ना जिसमें लॉजिक लगते हैं वो वाले, ठीक है,
मोर टॉपिक्स एंड मोर प्रिपेयर विल बी द रीजनिंग सेशन, यानी जो लॉजिक वाले हैं वो भी आपको करने हैं रीजनिंग में, ठीक है। कौन कौन से लॉजिक वाले, जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना जिनमें लॉजिक लगता है वो वाले, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस जैसे मैं कराता ही रहता हूँ, और भी प्रैक्टिस आपकी जो आगे जैसे क्लास आएंगी उनमें आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी लाडलो। उसके अलावा आगे ले लीजिए जीके, जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि सर जीके में हम कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो देखो क्वेश्चन इन द सेशन एम एट द इक्वल जी, करंट अफेयर्स हो गया आपका, देखो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस करना है। और मेन अगर मैं टॉपिक आपको बताऊं तो देखो कल्चर, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटिकल्स, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं आपको, ये हैं जो टॉपिक लिखे हैं वो आपको नीचे अलग से भी दिए हुए, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, उसके अलावा देखो ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री इंडियन हो गई, थोड़ा सा हिस्ट्री विदेश का भी आ जाता है एक दो क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हो गया, साइंस रिसर्च के बारे में हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में हो गया। अब जीके में आपको विशेष करके कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, यानी उनमें से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक हो गया लिस्ट ऑफ फेमस बुक्स और उनके ऑथर, यानी उनके राइटर कौन है, इसका क्वेश्चन एसएसजीडी में पक्का आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिस्कवरीज, ठीक है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, यानी कौन कौन सी जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं और जो डिस्कवरी कुछ खोजी गई है उससे संबंधित, ठीक है। कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज, ये हमेशा एक एक से दो क्वेश्चन इसके पक्के आते हैं कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है, वहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है, डॉलर, ये वाले जो रीजनिंग में भी इनमें क्वेश्चन बन जाता है, इन पर विशेष फोकस करना है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम, यानी कौन से देश का कौन सा गेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाड लो ध्यान रखना विशेष करके इन चीज़ों का। लिस्ट ऑफ द अर्जुन अवार्ड विनर, यानी अर्जुन अवार्ड हो गया या राष्ट्रीय कोई भी अवार्ड है उनका सभी का ध्यान रखना है। टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर कौन है, जैसे ये इसका मतलब है कि जो भी खेल से संबंधित होते हैं ना वो, अभी प्रेजेंट टाइम में किसने कौन सा पदक जीता है, अभी प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स में आपको कोरोना का पूरा पूरा ध्यान रखना है, इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन है और कौन सा देश उसको निर्यात कर रहा है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, कौन कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसने इसकी खोज की थी, कहाँ पाया गया था सबसे पहला पेशेंट कौन था या कहाँ से पाया गया था, इसके बारे में भी आपको डिटेल होनी चाहिए। बाकी ये पक्का है बुक्स, लिस्ट ऑफ कंट्रीज की, नेशन वाले, कैपिटल्स, डॉलर, ये इन्वेंशन एंड डिस्कवरी पक्का आता है। लिस्ट ऑफ अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है, या खेल से संबंधित जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, कवियों के संबंध किसे अवार्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चले ज्योग्राफी में, आप ध्यान रखना लाडो ज्योग्राफी में पूरे इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, विदेश की ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं है, केवल वो महाद्वीपों के बारे में या जो मरुस्थल है उनके बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी ज़्यादा ज्योग्राफी वर्ल्ड की नहीं आती, ये पढ़ा दी जाएगी, सब ज्योग्राफी वाले टीचर आएंगे वो सभी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। कैंडिडेट्स कैन चेक द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, एसएसजीडी, जनरल अवेयरनेस, स्ट्रेटेजी की और करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गई इसको बिल्कुल तैयार करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी जीके, इसमें से क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटेजी जीके की, मैं 5000 क्वेश्चन की, 5000 क्वेश्चन की बुक कहाँ डाल चुका हूँ, कमांडो एप्लीकेशन पे, कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है आपके लिए निःशुल्क ई बुक के रूप में, कमांडो अकेडमी में बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, आप जाके आज ही डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पे ई बुक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके ये डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लाड लो, करंट अफेयर्स आपको हमेशा पता होना चाहिए एसएसजीडी का, हर रोज का हर रोज पढ़ना। आगे चलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर ले देखो एवरेज, ठीक है, औसत आ गया, कंपटीशन ऑफ द होल नंबर्स वो हो गया, जो सरलीकरण वाला हो गया वो हो गया, डिस्क्लाइम एंड फैक्टर यानी भिन्न वाला हो गया, इसके अलावा डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा, बट्टे के क्वेश्चन जैसे मैंने करा भी चुका हूँ उनमें से, जैसे एवरेज मैंने एक बार एक दिन कराया था और भी एक बार वापस एवरेज कराऊंगा, ये सभी कराएंगे वैसे तो, लेकिन इनमें से कुछ क्लासें हो भी गई है वो भी वापस करा देंगे जब तक आएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन ये हो गया, इंटरेस्ट यानी ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मेजरमेंट सन हो गया, मतलब क्षेत्रफल के भी क्वेश्चन इसमें पक्का आते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम हो गया, संख्या पत्ती, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड टाइम, काम समय दूरी, वो वाला नल वाला टंकी वाले वो क्वेश्चन पक्के आते हैं इसमें, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये वाले क्वेश्चन हमेशा आता है, समय काम दूरी वाले, नल वाले, ट्रेन वाले, रेल संबंधित ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है मैं करा चुका हूँ, ठीक है, रेल संबंधित क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इनमें से, प्रॉफिट लॉस भी करा चुका हूँ, परसेंटेज भी कराया है, साधारण ब्याज करा दिया है, रेशियो आपको मैं सबसे पहले कराया था,
ये कराने हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये भी हम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द टाल इंटेलिजेंसी एंड मिक्सर, जो मिक्सर वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो बंदर, वो कि दो मुर्गी है, चार कुत्ते हैं या चार गाय है, उनके सर गिने तो इतने, पैर गिने तो इतने, उस प्रकार से। प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी एज रिलेशन वाला, वो पक्का आपको एक क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, उसका ध्यान रखना, उसके क्वेश्चन आते हैं आते हैं। तो मैथ में ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे आपको, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या आते हैं देखो, एरर स्पॉटिंग का आता है, तो हिंदी में अगर आप बोलोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर हिंदी में आप बोलोगे तो मतलब वो शब्द में गलतियां वाला हो गया, एरर मिस्टेक हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इसके अलावा आर्टिक्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, फ्रेज हो गए, और सिनोनम हो गए, एंटोनम हो गए, फ्रेज हो गए, मीनिंग हो गए, वर्ड हो गए, सब्स्टिट्यूशन हो गए, स्पेलिंग हो गया, और कंपेरिजन। इसके अलावा जब हिंदी में अगर हम बात करते हैं, जैसे संज्ञा आ गई, सर्वनाम आ गई, संधि विच्छेद का भी ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं आते। बाकी एकार शब्द हो गए, अनाकार शब्द हो गए, भिन्न छाटना, वाक्य में शुद्धिकरण वाला हो गया, और उसके अलावा पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सर्वनाम, संज्ञा, ये चीजें काफी आते हैं हिंदी में, ठीक है। लास्ट में पूरे वर्ड के लिए एक शब्द वाला वो हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, ये चीजें भी बहुत आती है हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसर्चिंग रीजनिंग, ठीक है, इनके क्वेश्चनों के अगर देखो, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्लो के 1-2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है क्लो का, कैलेंडर का भी एक ही क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट और वर्ड के 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, टेस्ट को मेन्यू, ये इसी हिसाब से हम टेस्ट लेंगे, ये तो केवल आपको क्वांटिटी जैसे बताई गई कि किसके क्वेश्चन किस प्रकार से ज्यादा आते हैं, ठीक है। एनालॉजी है यहाँ पे, एनालॉजी, एनालॉजी की जो हम पढ़े वर्गीकरण के आधार पर उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं 2 से 3, एक वो संख्या काउंट करने वाले जैसे बोला है इधर, जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 8 लिखा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन हो गए, वो 2 से 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। सभी के बारे में रेशियो के कौन से क्वेश्चन आते हैं ये आप देख सकते हो, और ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े वहां से भी जुड़ सकते हो, और पूरे का पूरा सिलेबस अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है, वहां पर आपको ये पूरा पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरी की पूरी डिटेलें हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे लाडलो। तो इसकी काफी डिमांड थी आपकी, परसेंटेज की, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज का 1 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क का 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पीड एंड टाइम का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टेंस का भी आ जाता है, मेजरमेंट का हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है, डाटा का हो जाता है, इसका डिस्काउंट का हो जाता है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज हो गई, इन सभी के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरी डिटेल अगर चाहिए तो ये मैं PDF तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, बाकी पूरी डिटेल पे आपको कहाँ मिलेगा, कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों ये है SSC GD का पूरा सिलेबस, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कराएंगे, अपने अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े वहाँ से भी जुड़ जाइए, और यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको पढ़ाते रहें, निरंतर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत लाडलो।